बैठने वाले नहीं। इसलिए आप सबका सहयोग और आप सबका आशीर्वाद, इसी तरह जब भी आपको बुलाया जाए आप लोग यहां आए और साथ में लेके आए, अपने साधन लगाइए। जब मैं, मेरे को कोई फायदा नहीं, मैं आपको गाड़ी लेकर गांव में आप गांव में सालड़ा में गया था, एक बंदा बोला मैं ट्रैक्टर लेकर, सालड़ा से कितना ऐसा थोड़ा बंदा हाथ खड़ा, सालड़ा से कितना ऐसा, कम से कम 50 लोग तो हमें मिलते हैं। अरे 50 तो आते, मुंडे से कितने आए, सनकेड़ा से कितने आए, ऊंडवा से कितने आए, लसड़ा से कितने आए, बताओ मेरे को, क्या इतने लोगों की जमीन आई, इतने लोगों की जमीन आई? और मेरे को लगता है बारिश हो रही, ना कोई काम कर रहा खेत में, ना कुछ कर रहा, सब गर्म सो रहे होंगे या बाजार में चाय पी रहे होंगे। तो जो लोग आए उनको भी बताओ कि भाई ये सबका काम है, अगर लड़ोगे संघर्ष करोगे तो मिलेगा। और इसका जीता जागता नमूना 2006 में सबसे पहला हाईवे निकला था, यमुना एक्सप्रेस हाईवे, जो दिल्ली से लखनऊ गया था, वहां किसानों की जमीन व्याप्त की थी, मैं उस टाइम आगरा में पोस्टिंग था। कॉमर्शियल नहीं दिया उनको, किसान मर गए, किसानों की हत्याएं होगी, किसानों ने पीछा नहीं छोड़ा, लास्ट मोमेंट में उनको कॉमर्शियल देना पड़ा। अगर तुम लड़ोगे तो कॉमर्शियल भी मिलेगा, और नहीं लड़े तो वो ढाई गुणा लेके तुम चुपचाप बैठ जाओगे। इसलिए सबसे निवेदन करता हूं मैं कि सारे भाई जो आ जाए वो सब जाकर गांव में इस बात को रखना, ये किसी का पर्सनल काम नहीं है, ये सबका काम है। संगठित रहो, शिक्षित बनो। और मैं आपसे फिर एक बात जैसे बोल रहा है, आज भाई साहब बोलते भी कि कौन सा बता बताया आपने, वो राजगढ़ तो सबसे बड़ी बात होती, मैं जो पार्टी वाली बात आएगी कि इसमें जो प्रतिनिधि होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और रामगंज मंडी का दर्द तो जो रामगंज मंडी का होगा वो तुम्हारा वही जान सकता है, बाकी तुम सब समझदार हो, बाकी तुम्हें किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे घर तक की परिस्थिति का रामगंज मंडी के जाता, देवेंद्र सिंह जी को पता है कि बिश्नेकड़ी में क्या परेशानी है, नालंदे में क्या परेशानी है, कोटा से मुंबई से दिल्ली से उनको पता नहीं तुम्हारी समस्याएं क्या है। मैं इतनी बात की, अपने बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। तो जोर से लगाओ, थोड़ी सी संख्या रहेगी, वो आधे तो उधर जाके बैठ गए, आधे उधर जाके बैठ गए। वो ये कहावत है कि किसानों को एकत्रित करना और मेंढकों को तराजू में तोलना बराबर है, दो को डालोगे एक निकल जाएगा, चार को डालोगे तीन निकल जाएंगे। यही कमजोरी, इसी कमजोरी से आज किसान उसी स्थिति में है, उससे भी गई गुजरी स्थिति में पहुंचने वाला। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आपकी आज ये सारी लोकल समस्याएं आपके सामने रखी, समस्याएं तो रखी है समाधान भी दिए हैं। भारतीय किसान संघ का नियम है कि भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता किसी समस्या को राज्य सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने या किसी भी अधिकारी के सामने रखेगी तो उसका समाधान भी देती है। अभी थोड़ा सा बरसात होगी, मेरे को ज्यादा समय मिलेगा भी नहीं, आगे अपना प्रोग्राम भी है। तो मित्रों, आज पूरे देश में, प्रांत में नहीं है, आज पूरे देश में हर तहसील हेडक्वार्टर पर भारतीय किसान संघ के द्वारा ये ज्ञापन दिया जा रहा है। उसका मूल, जो उसमें मूल मुद्दा है हमारा, वो है ये जो आपका हाइब्रिड बीज के नाम से जो आप लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है, STBT कपास, BT ये आपका बैंगन वाला बीज, GM सरसों वाला बीज, ये तीनों तरह के बीज फेल हो चुके हैं, ये कंपनियां बंद हो चुकी है और इनके बीज की कोई वो अब गारंटी नहीं है। लेकिन हमारी सरकारों की अनदेखी के कारण, हमारे बड़े बड़े अधिकारी जो इसको देखते हैं इस विषय को, इनको अनदेखी के कारण ये वापस वही कंपनियां आपको आज उसी भ्रम में डालकर इस बीज का वितरण कर रही है। इससे हमारे समाज में भयानक तो बीमारियां, भयानक जो है तरह का प्रदूषण हो रहा है, आपकी उर्वरा खेती ये खत्म होती जा रही है। ये एक मीठा जहर है जो भारतीय किसान संघ के द्वारा उठाया गया मुद्दा है, इसको किसानों में बांटा जा रहा है। भारतीय किसान संघ इस मुद्दे का विरोध करते हुए, इन चीजों का विरोध करते हुए आज पूरे भारत वर्ष में लगभग 650 जिलों के प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर पर आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है।
और उसके साथ साथ जो अपनी स्थानीय समस्या है जो आप लोगों को अभी आप भाई साहब ने बताई, ओम जी ने बताई, हमारे जो है भैरवला जी भाई साहब ने बताई, ये समस्याएं हैं। मित्रों मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं, भारतीय किसान संगठन, भारतीय किसान संघ वो संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन जो भाई साहब सत्यनारायण ने आपको बताया। हम किसी राजनीतिक दल के पीछे लगू नहीं है, हम जो किसान के हित की बात करते हैं हम उसको समर्थन करते हैं या उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जो किसान की नहीं सुनता हम उसकी नहीं सुनते हैं। और गैर राजनीतिक संगठन सामाजिक संगठन है, किसानों के द्वारा किसानों के लिए और किसान हित में कार्य करने वाले कार्यकर्ता इस भारतीय किसान संघ में खड़े होते हैं। खुद की जेब से खर्च करके, खुद की जेब से पैसा खर्च करके, खुद के समय को खर्च करके इसमें अनेक कार्यकर्ता, आजीवन कार्यकर्ता लगे हुए हैं। वो केवल केवल और केवल किसानों के हित के लिए संघर्ष करते हैं। परंतु अभी अगले वर्ष जन स्थापित जो वर्ष आएगा अपना, जिनने इस संगठन की स्थापना की थी आप सभी को लोगों को ध्यान होगा, परम पूजनीय दत्तोपंजी ठेंगड़ी द्वारा, और इस संगठन की स्थापना आपके कोटा में हुई थी और उसी निमित्त ही कोटा में एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम 10 नवंबर को होने वाला है। तो उनने किसी राजनीतिक संगठन के पीछे लग के स्थापना नहीं की थी, किसानों की जो विकट समस्या, किसान क्यों दबा कुचला है और इसके लिए आगे उत्थान के लिए क्या किया जाना चाहिए, ऐसे विचार करके इस संगठन की स्थापना की थी। हम किसी राजनीतिक मंच पर साझा नहीं करते और हमारे मंच पे कोई राजनीतिक नेता या कोई कार्यकर्ता भी हमारे यहां नहीं बोलते। किसान हित की बात करने वाला आएगा, कोई पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, आप वोट किसी को देते हो, लेकिन किसान के लिए और किसान हित के लिए और किसान के संघर्ष के साथ में आपको खड़ा होना पड़ेगा। उसने ठेंगड़ी जी ने कहा था कि एक पिलर पर कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? एक पिलर खड़ा कर दिया उस पर आप 50x50 का जो है मकान बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। उसमें कम से कम आपको 20 पिलर या 15 पिलर, 8 पिलर की आवश्यकता पड़ती है। यानी कार्यकर्ता एक व्यक्ति संगठन नहीं चला सकता, आप सब लोग एक साथ पिलरों के रूप में खड़े होंगे तब वो मजबूत बिल्डिंग खड़ी होगी। आज हमारे 28 और 30 लाख कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारे सदस्य है भारतीय किसान संगठन, जो भारतवर्ष में सबसे बड़ा संगठन है। हर 3 साल में सदस्यता होती है हमारी, केवल 10 रुपए सदस्य के हिसाब से लिया जाता है। तो उसको आपको आभास होना चाहिए कि मैं भारतीय किसान संघ का सदस्य हूं, 10 रुपए की रसीद मेरी भी कटी है और कोई विशेष मांगता नहीं है। भारतीय किसान संघ किसी से चंदा नहीं लेता, किसी से भी नहीं मांगता, किसी से मदद नहीं मांगते हम, किसी से वाहन के लिए नहीं कहते कि हमारे लिए गाड़ी लगा दो, बस लगा दो, हमारे 50 कार्यकर्ता जाएंगे, ये नहीं करता। भारतीय किसान संघ का एक एक कार्यकर्ता अपनी जेब से पैसा खर्च करके और इस संघर्ष को सफल बनाने के लिए आता है। बोलते हैं इधर ये अलोनी सल्ला है, यानी सल्ला जो होती है ना जिससे मसाला बांटा जाता है, ये बिना नमक मिर्च की है। इसमें जो अपने मन से, दिल से, दिमाग से और समर्पण के भाव से किसान के हित में कोई अगर खड़ा होगा वही कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा और वही आगे लंबी दूरी तक, लंबी रेस का घोड़ा होगा। और ये काम आप सभी को करना ही पड़ेगा। जब तक आप लोग संगठित नहीं होंगे, जब तक गांव गांव में ग्राम समितियां बनकर खड़े नहीं होंगे, जब एक आवाज पे आपको कहा जाएगा आज रामगंज मंडी पे धरना है तो 1500 की संख्या में किसान आना चाहिए, तब आपकी बात सुनी जाएगी। मित्रों एक छोटा सा विषय मैं आपको बता देता हूं, एक अपने भारत वर्ष आजाद हुआ 1947 में,
तब भारत का बंटवारा हुआ था, उपजाऊ क्षेत्र पंजाब और बंगाल का ये पाकिस्तान में चला गया। गेहूं और चावल का उत्पादन, जो अधिक उत्पादन उच्च किस्म की जो जमीन थी, ये पाकिस्तान में चली गई। भारत में भूखे मरने की स्थिति आ गई थी, ध्यान होगा आप सभी को, अन्न की कमी हो गई थी। तो उस समय इस पूरे एशिया में 20 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा व्यक्तित्व था जो केवल एशिया में 20 लोगों में जिनकी गिनती होती थी, माननीय M.S. स्वामीनाथन जी। उनको इस समस्या का समाधान के लिए लगाया गया, उनसे थीसिस करने के लिए कहा गया, भाई अब हरित क्रांति कैसे आवे देश में, अन्न की कमी कैसे दूर हो देश में। उस व्यक्ति ने, जो अपने अमेरिका से मेक्सिकन गेहूं आया करता था, उससे अपने पेट भरा है अपने जनता का, उस गेहूं का और पंजाब के गेहूं का एक मिश्रित बीज तैयार करके, और आज जो आप लोग उत्पादन कर रहे हैं उस स्थिति में पहुंचाने का श्रेय उस व्यक्ति को है। हरित क्रांति लाने वाला वो व्यक्ति वो है जिसने इस देश से अन्न की कमी को दूर किया। उसी व्यक्ति को 2004 में एक स्वामीनाथन आयोग नाम से एक किसानों के लिए आयोग बनाया गया था। आज दिन तक किसानों के लिए कोई आयोग नहीं बना, वो एक आयोग बनाया गया था, लेकिन वो आपके वोटों से नहीं बना, वो सरकार ने नियुक्त किया था। भाई किसानों की क्या समस्या है, किसानों की जो है तकलीफें कैसे दूर हो सकती है, किसान की आमदनी कैसे बढ़ सकती है, किसान आत्महत्या से कैसे बच सकता है, ऐसे करके उन्हें एक आयोग बनाया, स्वामीनाथन आयोग। वो स्वामीनाथन जिनने हरित क्रांति की थी वो इसके अध्यक्ष बने थे। 2006 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी थी, और 2006 है और आज 2019 है, 13 वर्ष हो गए। किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने आज दिन तक बात किसानों को यह नहीं कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर रहे हैं। उसमें किसानों की एक एक पीड़ा को एडी से लगाकर चोटी तक किसान की जो पीड़ाएं हैं, किसान के सामने जो समस्याएं हैं, किसान की जो मजबूरी है, किसान का जो अन्न पैदा करता है उसका भाव नहीं मिलता, उसको कितना मिलना चाहिए, किसान किस पीड़ा से पैदा करता है और किस पीड़ा में जाके बेचता है और फिर वहां का वहीं रहता है, ये सारी उसमें व्याख्या करके और केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी। केंद्र सरकार, ये 5 साल तो ये बीजेपी की सरकार रहेगी, इनने अभी ध्यान नहीं दिया। वादा तो करते हैं 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, भाई कैसे करोगे ये बताओ तो सही। हमें आय दुगनी नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। हमारा अधिकार है कि जो हम पैदा करते हैं आप उस समर्थन मूल्य पर, यानी 1.5 गुना मूल्य जो आपने वादा किया है, आप तो हमें 1.5 गुना दे दीजिए। हमें कर्जा माफ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कर्जा। हमारे रोड आपको जो है ये टाइल लगा रहे हैं, ये जो CC बना दिया आपके, ये ईंटों का वो बना दिया, नहीं आवश्यकता। अगर किसान को उसका उपज का 1.5 गुना मूल्य मिल जाता है, 2000 खर्च करता है उसको 3000 रुपए मिल जाए, तो किसान सब अपने आप कर लेगा। सर ये बात तो राहुल गांधी ने बोली थी, 2-2 लाख। राहुल गांधी जी ने तो जाने क्या क्या कहा है, आपको 12000 रुपए मैंने भी दे रहे थे, वो चूक गए। तो ये राजनीतिक लोग हैं, इनके विश्वास मत आइए। आपके अपने संगठन को मजबूत करके, और अपनी वाजिब समस्या है, अपनी मूल समस्या एक ही है मित्रों, हमारी उपज का 1.5 गुना समर्थन मूल्य आपको देना है। अब जो MSP घोषित कर दी साहब, इस भाव से खरीदेगी कितनी, किसान के पास 100 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ है, खरीदेगा कितना, हो क्यों नहीं खरीदते हो 100 क्विंटल को। मैं 6 बीघे में गेहूं पैदा करता हूं, 40 क्विंटल बेच सकता हूं। अरे 6 बीघे में आज के जमाने में कम से कम 55 और 60 क्विंटल गेहूं पैदा होते हैं, बाकी को गेहूं को कहां बेचेगा, हो क्यों नहीं आप पूरा खरीदते हो। पिछले वर्ष हमने लहसुन के लिए संघर्ष किया, रजिस्ट्रेशन कर दिए 80,000 के, खरीदे कितने, 25,000 के।
50,000 किसान रजिस्ट्रेशन करवाए हुए रह गए, लसन नहीं करेगा, मर गए किसान, आत्महत्या करते। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। हमारी सरकार से मांगे कि हमारे किसान की उपज का पूर्ण, जो आप समर्थन मूल्य भी दे रहे हो, तो संपूर्ण तोला जाए, किसान की पूरी जींस को तोला जाए और 1.5 गुना हमें लाभ दिया जाए, पहली बात है। और ये जो विदेशी कंपनियों का षड्यंत्र है, इसको बंद किया जाए, इसमें प्रतिबंध लगाया जाए। आज की हमारी विशेष मांग ये है। बाकी आपकी जो है यहाँ की लोकल समस्याएं हैं बहुत विकट है, और इसके लिए आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, इसके लिए आपको तगड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपकी कोई आवाज सुनेगा। उसके लिए भारतीय किसान संघ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। लेकिन शक्ति आपकी, मुंडिया गिनानी पड़ती है दोस्तों। आज यहां 500-700 व्यक्ति होते तो अधिकारी बाहर आ जाते। आज अपन चलेंगे 50-60 आदमी हो गए इकट्ठे। ये स्थिति आई कि नहीं है, ये सब जगह है, किसान जागृत हो ही नहीं रहा। गांव में भी ताश खेल रहे होंगे। पिछले वर्ष मैं जो है इस मंडी क्षेत्र में घूमे, गांव गांव गए थे, सत्यनारायण जी साहब को पता है। तो हम जो वो किसानों का पत्र देता उसको भी लेके नीचे रख ले, बाकी ताश के पत्ते से निगाह नहीं हटाओ। ये स्थिति है हमारी, मर रहे हैं लेकिन जागरण नहीं है। आएगा अगर आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता, इस तहसील जैसी कार्य, जो कार्यकारिणी के कार्यकर्ता है, ऐसे कार्यकर्ता अगर खड़े होते चलाएंगे, चले जाएंगे गांव गांव, तो कोई शक्ति नहीं रोक सकती इस किसानों के कार्य को। भारत माता की जय। हम सभी